दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से WhatsApp में डिलीटेड फोटोज़ को रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैं किन फोटोज़ की बात कर रहा हूं। दोस्तों मैं यहां पर उन फोटोज़ की बात कर रहा हूं जैसे कि आप ऑफलाइन थे और आपके दोस्त ने आपको कोई फोटो सेंड की या किसी भी अननोन पर्सन ने आपको कोई फोटो सेंड की और उसको डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, तो वो फोटो आपकी तरफ से भी और उसकी तरफ से डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों किस तरह से आप उस फोटो का रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपने अपनी कोई फोटो अपनी तरफ से डिलीट कर दिया है और उसको रिकवर करना चाहते हैं और आपने बैकअप भी नहीं लिया है, तो वो वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने दो मोबाइल मौजूद है। अब यहाँ पर दोस्तों आप एग्जांपल कर लें कि ये वाला जो मोबाइल है ये आपका मोबाइल है और ये वो मोबाइल है, यानी कि ये आपके दोस्त का मोबाइल है जो आपको मैसेज करने के बाद या फोटो सेंड करने के बाद डिलीट कर देता है, तो आप उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं जो डाटा कनेक्शन है उसको ऑफ कर दूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मैथड मैं आपको बताने वाला हूँ ये अगर आपका डाटा कनेक्शन ऑफ है तो वर्क करता है या नहीं। मीन्स कि आपका डाटा कनेक्शन ऑन है, आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, फिर आपका कोई दोस्त या अननोन पर्सन आपको मैसेज करता है और या इसके अलावा आपको फोटो या कोई भी वीडियो सेंड करता है और वो डिलीट कर देता है, डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं या नहीं। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले ये आपके दोस्त का मोबाइल है, इसमें मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस है। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं अपने कॉन्टैक्ट में आ गया हूं। आने के बाद यहां पर मैं मैसेज सेंड करता हूं कोई भी, तो यहां पर मैंने कैजुअली से कोई मैसेज लिखा, आप देख सकते हैं, और इसको मैंने सेंड कर दिया। तो यहां पर दोस्तों सेंड करने के बाद अब दोस्तों वहां पर मेरा डाटा कनेक्शन ऑफ था तो मुझे मैसेज सेंड नहीं हुआ। अब यहां पर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूंगा और ऊपर डिलीट के बटन पर क्लिक करने के बाद डिलीट फॉर एवरीवन कर दूंगा। जैसे मैं डिलीट फॉर एवरीवन करूंगा, अब जैसे मैं ऑनलाइन आऊंगा और अपने मोबाइल को डाटा से ओपन करूंगा यानी कि डाटा कनेक्शन कनेक्ट करूंगा, तो यहां पर दोस्तों मैं उसके बाद व्हाट्सएप को ओपन करूंगा तो मुझे एक मैसेज आया होगा कि इस बंदे ने यहां पर एक मैसेज किया था, वो डिलीट कर दिया है। अब हम किस तरह से इसको रीड कर सकते हैं, तो आपने जस्ट क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक लिंक देंगे, आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी इस तरह की एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, आपने जस्ट इस पर वन टैप करना और इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपने एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करना है, देन आपने यहां पर व्हाट्सएप को चूज कर लेना है और ऐड के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपने अलाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद यहां पर इसको नोटिफिकेशन एक्सेस देना है, तो आपने व्यू डिलीटेड मैसेज एप्लीकेशन में यहां पर ओपन करके अलाउ के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप अलाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर बैक की तरफ आएंगे, बैक की तरफ आने के बाद यहां पर यह एप्लीकेशन स्टार्टिंग ले लेगी और आपके मोबाइल में स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने यहां पर ऊपर रिलेटेड फोटोज पर क्लिक करना है और यहां पर अलाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने इसको अपनी मीडिया की एक्सेस दे देनी है। देने के बाद दोस्तों अब यहां पर यह एप्लीकेशन आपके मोबाइल में प्रॉपरली तौर पर इंस्टॉल हो गई है। तो अब दोस्तों होता क्या है कि कोई भी बंदा आपको व्हाट्सएप पर कोई पिक्चर सेंड करता है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों मैं एक पिक्चर सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों डाउनलोड्स में आकर मैं ये वाली पिक्चर ऐसे सेंड कर देता हूँ। अब सेंड करने के बाद यहाँ पर दोस्तों सेंड हो गई है। अब यहाँ पर वो बंदा इस पर लॉन्ग प्रेस करता है, आपने देखी भी नहीं है अभी पिक्चर, और उसके बाद यहाँ पर ऊपर डिलीट के बटन पर क्लिक करने के बाद डिलीट फॉर एवरीवन पर क्लिक कर देता है। अब दोस्तों ये जो पिक्चर है एवरीवन की तरफ से डिलीट हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो यहाँ पर जवाब पर क्लिक करते हैं, देख सकते हैं कि अभी जो मैसेज है वो डिलीट हो गया है, यानी कि हम नहीं देख सकते। लेकिन जो हमारे मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल थी आपने उसको ओपन करना है। जैसे आप उसको ओपन करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा आपने यानी कि वेट करना है और आप डिलीटेड फोटोज में आएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो डिलीटेड फोटोज यहाँ पर आ गई हैं कि उस बंदे ने क्या आपको सेंड करके डिलीट किया था। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है ना ये मैसेज रिकवर भी है कि अगर कोई बंदा आपको कोई मैसेज करने के बाद सेंड कर देता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका मोबाइल जब ऑफलाइन होता है यानी कि आपका जो मोबाइल है वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, तो उस टाइम दोस्तों जो मैसेजिंग सर्विस है वो काम करेगी, यानी कि अगर कोई बंदा आपको मैसेज सेंड करने के बाद डिलीट कर देता है ना, तो वो दोस्तों अगर आपका मोबाइल ऑफ भी है ना तो भी रिकवर हो जाएगा। लेकिन जो फोटोज हैं उसके लिए आपका मोबाइल हर टाइम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, और फिर अगर कोई बंदा आपको मैसेज करने के बाद डिलीट कर देता है या फोटो सेंड करने के बाद डिलीट कर देता है, तो वो आपको यहां पर डिलीटेड मैसेज के अंदर नजर आ जाएगी।